Hello, class 11th students, and last time I was reciting the summary of the chapter number 4, the rat trap. Today I'm reading word to word, so I thought in this one way I will teach you, hai na? Word to word padhte, and if any doubt, any problem, you can call me anytime. I'm starting the rat trap. Summary mein bata chuka hun, theek hai? Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. है ना, एक बार एक आदमी था जो कि इधर उधर घूमते हुए सेलिंग करता था, रैट ट्रैप की चूहेदानियाँ बेचता था वो वायर की बनी हुई. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और द और एट द बिग फार्म्स. ठीक है, तो वो इनको कैसे बनाता था, वो जो इधर उधर से उसको कुछ भी सामान मिल जाता था, आयरन कुछ मेन वायर और व्हाटएवर, और या तो वो मांग लेता था, बैक कर लेता था फार्म से और स्टोर से ऐसे. ठीक है, उसको मैं अपने हाथों से बनाता था जो रैट ट्रैप्स होते थे. बट इवन सो द बिज़नेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी ये इतना फ़ायदेमंद नहीं था उसका बिज़नेस. सो ही हैड टू रिजॉर्ट मीन डिपेंड टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसलिए उसको डिपेंड रहना पड़ता था दोनों पे, किस पे, बैगिंग मांग के वो खाता था और सर्वाइव करता था, एंड पेटी थीवरी और छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, है ना, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए सेंस समझ लेते. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, हिज चिक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. ठीक है, तो क्या था कि और फिर भी मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा था और व्हाटएवर चोरियां भी कर रहा था, फिर भी उसकी क्या था, देखो उस कपड़े फटे हुए थे, है ना, वर इन रैक्स, क्लॉथ्स वर इन रैक्स, चिक्स वर संकन, गाल अंदर धंसे हुए थे, मतलब भूखा रहता था, उतना ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं खा रहा था. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और आँखों में उसकी भूख चमकती थी हर वक्त, ऐसा लगता था कि भूखा है, थोड़ा वीक लगता होगा. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड. वैगबॉन्ड में होता है आवारा, कि कोई नहीं इमेजिन कर सकता है कि कितनी बोरिंग और कितनी दुखी लाइफ वो बेचारा घूमक्कड़ और वट एवर आवारा आदमी की होगी, है ना, कोई इमेजिन नहीं कर सकता. हु प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन वॉक्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जो अपनी धुन में बिल्कुल अपनी मेडिटेशन में चलता हुआ रोड में यहाँ से वहाँ चल रहा है, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है वो कितना दुखी है और कितना बोरिंग लाइफ जी रहा है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइफ सॉरी अ लाइन ऑफ थाट, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक लाइन आई विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और जो उसको सच में बहुत ही एंटरटेनिंग लगी. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम. अब क्या था, उसके दिमाग में एक थॉट आया और जो कि बिल्कुल इस पूरी दुनिया से रिलेटेड था, है ना, वो घूमता जा रहा था और रैट ट्रैप सेलिंग के लिए इधर से उधर घूम रहा था, तो उसके दिमाग में देखो कुछ लाइंस आई. वो लाइंस क्या थी कि द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज एंड इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस आर नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये जो पूरी दुनिया है अपने लैंड्स के साथ और सीज के साथ, मतलब इतनी ज़मीन और इतना पानी और इतने समंदर, इतने शहर और इतने गांव, वो कुछ नहीं है एक रैट ट्रैप के सिवाय, वो बस एक रैट ट्रैप है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, और इसका कोई और पर्पस नहीं है किसके अलावा कि वो किस सेट करते हैं बैट, बैट मीन टेम्पटेशन कह लो, है ना, कि जैसे हम चूहे जानी में बैट लगाते हैं ना कि चूहा आएगा इसकी ओर, ऐसे तो वो भी यही सोच रहा है फिलहाल कि उसका पर्पस सिर्फ बैट क्रिएट करना है, लालच क्रिएट करना है, टेम्पटेशन. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, है ना. और ये जो दुनिया है, पूरी वर्ल्ड है, ये क्या ऑफर करती है इंसान को, रिचेस एंड जॉय, वो भी जो भी हमारे लग्जीरियस चीज़ें हैं, जो भी इंजॉयमेंट वाली चीज़ें हैं, शेल्टर, हमें शरण मतलब मकान से बात चल रही है ना, अच्छे घर में रहना हर कोई पसंद करता है, फूड खाना, हीट एंड क्लॉथिंग मीन थोड़ा वेदर भी चेंज होता है और हीट भी चाहिए होती, क्लॉथिंग कपड़े, है ना, अब हमको शो ऑफ भी होता है. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, और वैसे ही ये चीज़ है दुनिया में जैसे कि रैट ट्रैप, चूहेदानी के अंदर, रैट ट्रैप ही बोलूँगा अब मैं, चीज़ और पोर्क हम लगा देते हैं, पोर्क मीट ऑफ पिग कहे होता है ना, उसका टुकड़ा लगा देते हैं कि चूहा आएगा पकड़ लेंगे उसे. एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टैम्प्ड टू
टच द बैट, और जैसे ही कोई आता है लालच की ओर बढ़ता हुआ और अपने आप को लालची होने देता है और टच करता है बैट को, बैट समझना आप, है ना, कोई भी चीज़ जो हमें टेम्पटेशन लालच के लिए रखी हुई है, इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो क्या होता है कि जो डोर है वो उसके लिए बंद हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज़ फिर ख़त्म होने की ओर आ जाती है, ऐसा किसका ख्याल है, उस रैट ट्रैप सेलर का, आप ध्यान से देखना। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और ऐसा सुन के हमारा राइटर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया उसके संग कभी अच्छी नहीं रही है, सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इस वे में ख़राब सोच के, है ना, सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय, बिल्कुल अनलिमिटेड कह लो यहाँ पे, कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है वो ख़राब सोच के इन दिस वन वे, ठीक है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी कह लो, मतलब जो अच्छा नहीं है, है ना, ख़राब प्लॉडिंग, है ना, बोरिंग वे में वो घूमता था, तो अच्छा टाइम पास बन गया उसका ये, कि वो इस बारे में सोचते सोचते वो वॉक कर रहा है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और उन लोगों के बारे में सोच के जिन्होंने अपने को फंसने दिया इस डेंजरस स्नेयर मीन ट्रैप जाल में, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और उनके बारे में भी सोच के जो होता है ना, कुछ प्लान कर रहे होंगे, कुछ करने की सोच रहे होंगे, तो उनके बारे में वो बात कर रहा है कि वो जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, अदर पीपल हैं, जो कि उस बैट के चारों ओर घूम रहे हैं कि अरे अब इसके साथ भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ पाना चाहता है, तो उसकी यही थॉट है। आगे देखो, वंस डार्क, अब ये इट इज़ ऑल अबाउट कि वट इज़ द थिंकिंग ऑफ रैट ट्रैप, अब थोड़ा सा स्टोरी आगे चेंज हो जाएगा, ठीक है, देखना। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रॉडलिंग सॉरी ट्रगिंग मीन ऑफ द वॉकिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, जब वो अकेले अकेले से वॉक कर रहा था रोड पे, तो उसने एक ग्रे कॉटेज देखा रोड साइड पे, ठीक है, इवनिंग टाइम भी हो गया था, ठीक। आगे देखो, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ठीक है, और उसने नॉक किया और पूछा कि क्या वो रात यहाँ बिता सकता है, नॉर वॉज ही रिफ्यूज, उसको मना भी नहीं किया गया, इंस्टीड ऑफ द शोर फेसेस खट्टी फेसेस, मतलब कि लोग उसको देख के मुंह बनाते होंगे कि अरे यार जाओ यहाँ से, है ना, ऐसे तो शोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मैट हिम, जो जिनसे वो मिलता था वो ऐसे अच्छे फेस नहीं बनाते थे उनके लिए, तो इसके ऐसा नहीं हुआ इस बार। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो मतलब कॉटेज का मालिक था, उसकी वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, वॉज हैप्पी टू गेट सम वन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो बहुत खुश हो गया कि उसके लोनलीनेस में कोई आ गया और बातें करने के लिए उसे एक आदमी मिल गया। इमिडिएटली ही पुट द पॉरेज पुट पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, ठीक, और उसने क्या किया, पॉरेज जो दलिया है उसको गर्म करने रख दिया फायर में, एंड गेव हिम सपर, उसको सपर एक टाइम का मील, यहाँ पे डिनर कह लो, है ना, इवनिंग पे हुआ था, तो ठीक है, तो एक टाइम का खाना उसको दे दिया। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप और हिज ओन, अब उसने एक थोड़ा सा टोबैको का स्लाइस भी काट लिया, और जो कि उसके लिए, और वो स्ट्रेंजर जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है वो आया हुआ है, उसके लिए बिल्कुल फिट है, एकदम पर्याप्त है, इनफ है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जॉलीस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक उसने क्या किया, उसके साथ ताश निकाल ली, कार्ड्स, ठीक है, और जॉलीस एक टाइप ऑफ ताश का गेम होगा, उसके साथ खेलने लगा वो, ठीक है। थोड़ा एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, है ना, फिर भी वीडियो भी लेंदी हो रहा है, चलिए। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉरेज और टबैको, और जो वो जेनरस मतलब दरिया दिल, वो जितना पॉरेज और टबैको के लिए दरिया दिल था, मतलब बताने में खुशी हो रही थी, उतना ही वो अपनी पर्सनल बातों को बताने में भी दरिया दिल था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रेमजो आयरन वर्क्स, और उसने बताया कि जो होस्ट है आज रात, मतलब जो बुजुर्ग के साथ वो रह रहा है आज, तो वो पहले जब उसके लग्जीरियस दिन थे और अच्छे प्रॉस्पेरिटी अच्छा दिन चल रहे थे, तो वो क्रॉफ्टर था, एक आयरन मिल में काम करता था, किस कौन सी मिल में, रेमजो आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसके बाद ज़मीन भी थी उस पर भी काम करता था, मतलब थोड़े पहले और जब उसके दिन अच्छे थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो थोड़ा सा एजेड हो गया तो वो दिन में मेहनत नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब उसके पास एक काउ है जो उसको सब जिसके वो सपोर्ट में है,
मीन जिस पे वो डिपेंड है. यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और जो ये बॉसी है मतलब जो काउ है जिस पे वो डिपेंड है, जो उसकी बॉस है, कहने का मतलब है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इन दिस वन वे. किस वे में? किसी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. और हर दिन वो क्रीमरी में डेयरी के लिए मिल्क प्रोवाइड करती है उसे. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. और लास्ट मंथ उसको 30 kroner 30 rupees कह लो और 30 जो भी नोट उसने कमाए हैं मिल्क डेयरी में प्रोवाइड करके. तो ये थी यहाँ तक की कहानी. और टिल हेयर फ्रॉम टुमारो आई विल गो अहेड एंड फ्रॉम ऑल द चैप्टर यू विल डू वन लॉन्ग आंसर 4-5 शॉर्ट आंसर्स. ओके टुमारो आई विल कंटिन्यू. थैंक यू.